नतीजों का इंतजार है, लेकिन तेजस्वी का पोस्टर तैयार है। आरजेडी दफ्तर सज गया है, महागठबंधन के खेमे में खुशियों की बहार आ गई है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तेजस्वी कैंप भारी उत्साह में है। एग्जिट पोल के अनुमानों ने बर्थडे बॉय तेजस्वी यादव को जश्न का डबल मौका दे दिया है। नतीजों को लेकर महागठबंधन गदगद तो है, लेकिन हर तरफ तूफान से पहले की शांति है। आरजेडी दफ्तर हो या फिर तेजस्वी का बंगला, हर तरफ सन्नाटा है। कहीं कहीं तेजस्वी के पोस्टर तो लगे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर पेश भी किया जा रहा है, लेकिन अति उत्साह नहीं है। इतिहास से सबक लेते हुए तेजस्वी इस बार अपनी छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क है। हम इस वक्त पटना के आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बिल्कुल नई तरोताजा आरजेडी दिखाई दे रही है। ये आरजेडी का दफ्तर है और आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, लेकिन तेजस्वी यादव के जन्मदिन का कोई पोस्टर आपको आरजेडी दफ्तर के बाहर नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर आरजेडी ऑफिस के सामने है, जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सड़क के उस पार तेजस्वी यादव को आज उनके जन्मदिन की बधाई देते ये एकमात्र पोस्टर इस वक्त पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने आपको दिखाई देगा। तेजस्वी अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे चुके हैं कि जोश में होश न खो दें। नतीजों पर आरजेडी उम्मीदवार सादगी का परिचय दें। उम्मीदवार जीत के जश्न में जलसा नहीं निकालें। जीत का जश्न कार्यकर्ता नहीं, जनता मनाएगी। सर्टिफिकेट लेने के बाद ही पटना रुख करे प्रत्याशी। तेजस्वी ने अपने संदेश को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए चार नेताओं की टीम बनाई है, जिनमें वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के साथ साथ श्याम रजक, सुनील सिंह और संजय यादव शामिल हैं। आदिश, बिहार की जनता जीत रही है और जीत इसलिए हासिल कर रही है अपनी समस्याओं के हल के लिए, तो हमें तो समस्याओं का हल निकालना है। हम अपने को जीता हुआ मान नहीं सकते, हम जीता हुआ तब मानेंगे जितनी बातें हमने कही है हम 5 साल के भीतर पूरा कर लें। लेकिन आज तो जीत जनता की है। जनता के दुख और तकलीफ को दूर करने के बाद जब आकलन जनता करके हमें कहेगी हाँ आप प्रण के मुताबिक, अपनी वचनबद्धता के मुताबिक, आप घोषणा पत्र के मुताबिक, आप जिन बातों की चर्चा, चाहे वो खेती की हो, रोजगार की हो, मान मर्यादा की हो, कानून व्यवस्था की हो, आपने उसके अनुपालन में आगे बढ़ के काम आप किया है, उस दिन हम अपने को मानेंगे कि जनता ने जो मौका दिया तो सचमुच ही हम उनके इच्छाओं के अनुसार खरे उतरे। बिहार विधानसभा के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि बिहार में बदलाव की बयार है। सिर्फ एक एग्जिट पोल छोड़कर सभी ने बिहार की कुर्सी पर लालू यादव के छोटे बेटे को बैठाया है। सबसे भरोसेमंद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन कमाल करता दिख रहा है। महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने के आसार हैं। चिराग पासवान की एलजेपी बुरी तरह से पिटती दिख रही है। उसके खाते में महज 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी के गठबंधन को 3 से 5 सीटें ही मिल जाएं, वही काफी है। अन्य के अकाउंट में 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के रुझान अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो तेजस्वी देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ 31 साल के लालू के लाल का ये बड़ा धमाल होगा। बस कल का इंतजार कीजिए। पटना से सुजीत झा, कुमार अभिषेक और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।